हनी सिंह ने पाकिस्तानी मतदाताओं को खुशखबरी सुना दी। पंजाबी और अंग्रेजी के इम्तिजाज पर मबनी रैप की वजह से शोहरत हासिल करने वाले भारतीय रैपर और गुलूकार यूयू हनी सिंह ने अपने अगले बैनुल अक्वामी टूर के बाद पाकिस्तान टूर का ऐलान करते हुए पाकिस्तानी मतदाताओं को खुशखबरी सुना दी। आईफा अवार्ड 2024 की तकरीब के रेड कार्पेट से सोशल मीडिया पर यूयू हनी सिंह का एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय गुलूकार हनी सिंह जल्द पाकिस्तान में अपने कॉन्सर्ट के हवाले से बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आईफा अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर एक पाकिस्तानी सहाफी की जानिब से रैपर और गुलूकार यूयू हनी सिंह से सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान कब आएंगे, वहां भी आपके मद्दा मौजूद हैं जो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जवाब देते हुए हनी सिंह का कहना था कि मैं 12 साल से दुबई में अपने कॉन्सर्ट कर रहा हूं, जहां भारतीय मद्दाहों के साथ साथ पाकिस्तानी परस्तारों की भी एक कसीर तादाद मौजूद होती है। हनी सिंह का कहना था कि मुझे कॉन्सर्ट के बाद दौरान कॉन्सर्ट भी बहुत से पाकिस्तानी मद्दा कहते हैं कि हमारे पास दौलत है तो हम आपको सुनने दुबई आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मद्दा हैं जो आपको सुनना चाहते हैं लेकिन वसाइल की कमी ऐसा मुमकिन नहीं होने देती, आप पाकिस्तान में भी शो करें। भारतीय रैपर और गुलूकार हनी सिंह ने पाकिस्तानी मद्दाहों को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि अगले साल मेरा इंग्लैंड का टूर है, जहां मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूं। इंग्लैंड के बाद अगर वक्त मिला तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जरूर आऊंगा। वाज़े रहे कि हाल ही में हनी सिंह ने ऐलान किया था कि वो ब्लॉकबस्टर के गुलूकार फारिस शफी के आने वाली एल्बम को प्रोड्यूस कर रहे हैं।